देखा आप सबने किस तरह ये फूल तुरंत सड़कर काला हो गया। काला जादू किया है किसी ने इस लड़की के ऊपर। वो पूरी शक्ति इस लड़की के अंदर है। वो चंखनी चापिनी झूठ बोल रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है नियति, बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ उसे। सुमति क्या कह रही हो तुम? सब कुछ तुमने अपनी आंखों से देखा, उसके बाद भी तुमने देखा ना एक अच्छे खासे अक्षत को एक झटके में नियति ने कैसे फेंक दिया और वो फूल तुम्हारी आंखों के सामने वो काला हो गया। सुमति अपनी आंखों पे से ये ममता का पर्दा हटाओ और ध्यान से देखो, नियति मेरी भी बच्ची है, हम जो भी कर रहे हैं उसकी भलाई के लिए कर रहे हैं। साध्वी जी आप ही मेरी नियति को बचा सकती, प्लीज मेरी नियति को बचा लीजिए। और हाँ आप खर्चे की चिंता मत कीजिए, जो भी पैसा लगेगा मैं। पैसा मिट्टी समान है हमारे लिए, ईश्वर ने हमें ये शक्तियां इसलिए दी हैं कि हम समाज का कल्याण कर सकें, उनकी दुविधाओं को दूर कर सकें बिना किसी लालच के, और अपना कर्तव्य निभाएंगे हम, आप सबकी मदद करेंगे इस काले जादू से इस लड़की को पूरी तरह मुक्त करवा देंगे। ये है सब मुसीबत की जड़, ये लॉकेट नहीं उस काले जादू का तंत्र है, ये दो मुझे। लॉकेट छोड़ो, नहीं दूंगी मैं। नियति बेटा वो लॉकेट उतार के दे दो साध्वी जी को। ये काला जादू मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है, पकड़ लो इस लड़की को। छोड़िए मुझे नियति। पापा नियति मैं नहीं दूंगी अपना लॉकेट। जो हम कर रहे हैं भलाई के लिए कर रहे हैं तुम्हारे। छोड़ो, दक्ष का दिया ये लॉकेट मेरा रक्षा कवच है, इसे किसी भी कीमत पर खो नहीं सकती मैं। यदि काट दिया मुझे, यदि दूर रहो सब, पीछे रहो सब, वरना मैं इसे खत्म कर दूंगी। दूर रहो सब, मार दूंगी मैं इसको, पीछे। अक्षत नियति दूर रहो वरना मैं इसे खत्म कर दूंगी, पीछे। नियति नहीं क्या हो गया नियति को, कर क्या रही है? आज फिर दिमाग यूज करके नियति ने बचा लिया अपने आप को। ऐसा कब तक चलेगा भगवान? ये रॉकेट उतार देती हूँ तो अक्षत से बचना मुश्किल, नहीं उतारती तो पापा और घर वालों को यकीन हो जाएगा कि तंत्र मुझ पर हुआ। नियति के गले से लॉकेट निकालना था, इतना छोटा काम वो भी नहीं कर पाए तुम। काम ऑलमोस्ट होने वाला था, वो नियति के गले से लॉकेट निकालने ही वाली थी कि अचानक नियति ने उनके हाथ पे काट लिया और उसके बाद उनके गर्दन पे चाकू रख दिया। तो क्या करती है? नियति ने बता दिया कि वो कितनी होशियार है, लेकिन इसे क्यों पैसे दिए थे हमने? काम तो कुछ हुआ नहीं, कहां से पकड़ के लाए हो तुम इसको? मैडम मैं तो एक्ट्रेस हूं ना,
इन्होंने मुझे दो बातें बताई थी, वो फूल चढ़ाने की ट्रिक जो मैंने ठीक से की, और उसके गले से लॉकेट छीनने के लिए कहा था जो मैंने किया। अब उसके बाद जो कुछ हुआ मैं उसके लिए तैयार नहीं थी, और इन्होंने मुझे समझाया तो था नहीं कि ऐसा कुछ हो तो क्या करना। मुझे समझ में नहीं आया क्या करूं। अगर तुम्हारे पास अकल है कि नहीं, एक्ट्रेस होना तुम तो थोड़ा इम्प्रोवाइज नहीं कर सकती थी? क्या इम्प्रोवाइज करती मैं, मेरी गर्दन पर चाकू रख दिया था उसने। मैंने तो अपना सीन पूरी तरह से किया और आखिर तक अपना कैरेक्टर भी नहीं छोड़ा, जबकि मन में मुझे बहुत डर लग रहा था कि वो कहीं अपनी काली शक्ति से मुझे ही ना मार डाले। देखिए मेरे हाथ पर कैसे काटा उसने, दांत के निशान अभी तक पड़े हुए। कोई काली शक्ति नहीं है उसके पास, नाटक कर रही है नियति। और अगर तुम एक्ट्रेस हो ना तो जाओ जाकर उससे कुछ सीखो, किसी और को ढूंढ लो तुम, इसके बस की बात नहीं है ये। कंचन मेरी बात सुन, पृथ्वी खन्ना के घर पे वो ऑलरेडी इंप्रेशन जमा चुकी है, अब किसी नए बंदे को वहां लेके जाना, उसे इंट्रोड्यूस करना, उससे सबका भरोसा जीतना, उसमें टाइम जाएगा कंचन, तो इन्हीं को करने दो ना, हम अगली बार इन्हें अच्छे से समझा देंगे क्या करना है और कैसे करना। ठीक है तुम बाहर जाओ, मुझे इससे कुछ बात करनी है। भूल जाओ नियति के लॉकेट को, अब बड़ा खेल खेलने का टाइम आ गया। और वो बड़ा खेल क्या है जानते हो ना? ये पाउडर सबको खिलाना है जिससे सबका दिमाग खराब हो जाए। उसके बाद? उसके बाद वो सब सबकी कहानी खत्म। और उसके बाद ये शरीर मेरा। अगर तुमने बताया नहीं कि उस कंकाल का तुमने क्या किया? उस कंकाल के लिए मैं एक ऐसी जगह ढूंढ रहा हूं जहां मैं उसे दफन कर सकूं और नियति को उसकी खबर भी ना। फिर तो तुम्हें कोई ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जिसके बारे में नियति कभी सोच भी ना सके। है एक जगह, आज रात ही उसे जाके मैं वहां दफना दूंगा, और कल ये पाउडर जाके सबको खिला भी दूंगा। इस कॉफिन का किसी भी तरह पता लगाना ही होगा मुझे, मंजिल के इतने करीब आकर यहाँ रुक नहीं सकते हम। अक्षत के शरीर में छुपी उस आत्मा से आजाद होने के लिए बस एक ही रास्ता बचा, इस कॉफिन में बंद लाश का अंतिम संस्कार। हाँ लेकिन तुम्हारे पापा और बाकी सबने तो यही मान दिया है कि तुम पर काला जादू हुआ है, और इस लॉकेट में भी तंत्र है, ऐसे में तुम्हारी हर हरकत पर उनकी नजर होगी, तुम्हारा घर से बाहर निकलना भी मुश्किल होगा। हाँ माँ, इस सिचुएशन में जहां सब मेरे खिलाफ है वो काम आप ही को करना होगा। मतलब पापा मामा अक्षत सबकी नजर मुझ पे होगी, तो जो काम मुझे करना था वो आपको करना होगा। अक्षत ने वो कॉफिन कहाँ छुपाया है ये आप ही को पता लगाना होगा। अब मैं अपनी नियति की आंखें और हाथ बनकर इस अधूरे काम को पूरा करूंगा। कंक
कब तक लड़की को कमरे में बंद रखेंगे? कब तक अपनी बच्ची इस तंत्र के असर में अपनों को ही अपना दुश्मन समझती रहेगी? कब तक पृथ्वी? मैं भी उन्हीं सवालों का जवाब ढूंढ रहा हूं माँ जी। साध्वी जी ने कहा था कि वो कोई उपाय लेके आएंगे, देखते हैं वो क्या सोचती है। नमस्ते साध्वी जी, बैठिए। पापा, हाँ, सब ठीक हो जाएगा। महापूजन करवा के आए, माँ काली का आशीर्वाद लेकर आए। कल से नियति के शुद्धिकरण की विधि आरंभ होगी और बहुत जल्द तो उस काले जादू के असर से पूर्णतः मुक्त हो जाएगी। पूजा का प्रसाद है, ग्रहण कीजिए। ये प्रसाद खाने के बाद इन सब की कहानी खत्म। और साथ ही लीजिए ये संकल्प कि इस विधि में आप हमारा भरपूर सहयोग देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम आपका पूरा सहयोग देंगे, बस आप मेरी बच्ची को ठीक कर दीजिए। आप निश्चिंत रहें, आपकी बेटी जल्दी ही पूर्णतः उस काले जादू के असर से मुक्त हो जाएगी। सुमति, तुम इतनी देर से नियति के कमरे में क्या कर रही थी? वो पानी लेकर गई थी उसके लिए। उसने कहा कुछ भी नहीं चाहिए और कहा कि चले जाओ यहाँ से, तो बस। साध्वी जी, प्रसाद लेके आई हैं, कह रही हैं कि नियति बिल्कुल ठीक हो जाएगी, तुम भी प्रसाद ले लो। साध्वी को अक्षत लेकर आया और साध्वी ये प्रसाद लाई है, इस पर भरोसा नहीं कर सकती मैं। सब लोग खा लो प्रसाद, उसके बाद मेरे इशारों पे नाचोगे। मैं जानती हूं अक्षर, हम सब पर तुम्हारी नजर होगी, लेकिन तुम नहीं जानते कि मेरा सारा ध्यान तुम पर होगा। हो सकता है अक्षत वहीं जा रहा हो जहां ताबूत छुपाया होगा उसने। अक्षत का पीछा करने के लिए दूसरी कार की चाबी लानी पड़ेगी।
रात में कहाँ जा रहे हैं? आप पहली बार मुझसे ऐसा सवाल पूछ रहे हैं। तो इतने सालों में पहली बार तुम इतनी रात को ऐसे हड़बड़ाते हुए जा रहे हो। टेंशन है घर? हाँ तो इतना टेंशन है इसीलिए मुझे नींद नहीं आ रही थी और घुटन हो रही थी इसलिए बाहर जा रही थी बस टहलने के लिए। तुम्हें क्या लगता है? मुझे कुछ समझ में नहीं आता। अक्षत का पीछा कर रही थी ना तुम? और तुम्हें ये लगता है कि मैं हम सब और खासकर अक्षत नियति के पीछे पड़ा है? तंदर उपायों से उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं और तुम्हारी तरफ तरफदारी नहीं कर रही हूं मैं। सच कह रही हूँ, नियति को कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक है वो। अपनी इज्जत छोड़ो, तभी उसको मदद कर पाओगे। अरे अक्षत को देखो, इतनी देर रात को भी वो साध्वी के पास गया ताकि वो अपनी बीवी को ठीक कर सके, लेकिन तुम हो कि तुम उसके काम में रुकावट डाल रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें वो रुकावट डालने नहीं दूंगा। चलो मेरे साथ। हाथ छोड़िए मेरा, मुझे तकलीफ हो रही है। तकलीफ तो हमारी बच्ची को ज्यादा हो रही है, लेकिन तुम उसको ठीक देखना चाहती हो, है ना? आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? नियति की, आपकी, हम सब की जान खतरे में है। सब खतरे में है, किसी की जान खतरे में नहीं है। तुम्हें ना यहाँ से जाने नहीं दूंगा। नियति की तरह बात करना बंद करो, तुम यहाँ से चलो। ये क्या कर रहे हैं आप? तुम दूर हो मुझे। मेरे पास मत आना। क्यों पापा? पापा अक्षत ज्यादा दूर नहीं गया होगा। हे माता रानी, बस मेरी मदद करना। मैंने कहा ना मेरे पास मत आओ। तुम्हें वो तंत्र हुआ ना तुम्हें? मुझे घबराहट हो रही है मुझे। ठीक है मैं दूर हूँ, लेकिन आप ये माँ के साथ क्या कर रहे थे? क्योंकि तुम्हारी माँ जिद कर रही है, वो सुनते नहीं मेरी बात। रात को पता नहीं कब मैंने कहा ना दूर रहो। चली गई सुमति, मुझे अक्षत को बताना होगा। मुझे एक फोन करना है, तुम दूर रहना, मैं फोन करके आता हूँ। ये सब क्या हो रहा है? माँ भी इतनी रात को कहाँ? अक्षत की गाड़ी तो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है, कैसे ढूंढूं? अक्षत की गाड़ी यहाँ हमारे वेयर हाउस पे यहाँ क्या करने आया है? जिस बारे में बात कर रहे थे
शायद उसका पता चल जाएगा। उसे फोन करके बता देती हूँ। माँ से फोन करके पूछती हूँ कहाँ है वो। माँ का फोन बिजी क्यों आ रहा है? इस वक्त किससे बात कर रहे हैं? नियति से बात होना बहुत जरूरी है, वरना वो फिक्र करती रहेगी, लेकिन फोन लग ही नहीं रहा है।